राजधानी दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट होकर वर्तमान की भाजपा सरकार पर हल्ला बोलने की अपील की गई। जीतन राम मांझी ने अपने संदेश में बोला कि 2024 में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद की बात जहां तक है वो बाद में भी निश्चित किया जा सकेगा, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब भाजपा गठबंधन एनडीए को बहुमत हासिल न करने दिया जाए। इस मौके पर मोहम्मद सिराज साहिल ने अपने लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कहा कि हम 5 सीट पर भी लड़ सकेंगे, लेकिन भाजपा विरोधी दलों को एक होने की आवश्यकता है। कांग्रेस के साथ या कांग्रेस का विकल्प बनने की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने अगर अडानी को लाभ दिया है तो सत्ता परिवर्तन से सभी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिराज साहिल को कपिल सिब्बल कांग्रेस के पूर्व नेता का समर्थन मिला व उनके बनाए हुए मंच इंसाफ के सिपाही के द्वारा कपिल सिब्बल में गैर भाजपा नेताओं को एक छतरी के नीचे लेन का काम किया गया है। कपिल सिब्बल जैसा विद्वान नेता विपक्ष को मजबूत बना सकता है। सड़क से संसद तक भाजपा और पीएम मोदी को सीधी बात कहने का दम रखते हैं। 85% की जनसंख्या को हाशिए पर धकेला जा रहा है। इस मौके पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष राजबाला सैनी द्वारा बताया गया कि निर्भया कांड के बाद भी देश में महिलाओं के साथ हो रहे हैं अपराध पर अंकुश लगाने पर नाकाम रही है भाजपा सरकार। राहुल गांधी के साथ जैसा व्यवहार सदस्यता रद्द करने पर कहा कि हम राहुल गांधी की पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसे और भी सांसद हैं उनका क्या करेगी भाजपा सरकार। हम गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी की ये शुरुआत है और 2024 के चुनाव से पहले सभी छोटे दल एकजुट होकर आगे भी इस तरह की बैठक करते रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर बीके ने कहा कि इस तरह के अत्याचारों से जनता परेशान है और 2024 में राहुल गांधी ही नहीं पूरा विपक्ष मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए तैयारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है वो बहुत मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है, प्रचार तंत्र भी मजबूत है और वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके भी मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो समूचा विपक्ष है प्रधानमंत्री पद पे नज़र ना रखे, ज़्यादा सांसदों के चक्कर में ना पड़े, जिसकी जितनी हैसियत है आपस में बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और 543 सीटों पर लड़ने के लिए मजबूती से बीजेपी के एनडीए के मुकाबले यूपीए का एक कैंडिडेट ही मैदान में हो तो निश्चित तौर पर बीजेपी को हराया जा सकता है, नहीं तो बीजेपी जो है तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। तो प्रयास ये है कि जो बीजेपी के विरोधी दल हैं वो सब एक मंच में आए और बिना किसी भेदभाव के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के लड़े, प्रधानमंत्री पद के चक्कर में ना पड़े। सर, लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में देखा जा रहा है, लोकतंत्र के लिए क्या? लोकतंत्र जो है, देखिए जब भी कोई सरकार होती है वो अपने हिसाब से कुछ काम करती है तो सवाल उठता है। अब बीजेपी तो जो है इंदिरा गांधी ने जो है जो इमरजेंसी लगाई थी या इंदिरा गांधी के टाइम में या अन्य प्रधानमंत्रियों के टाइम में जिस तरीके से चीज़ें होती थी, सत्ता का दुरुपयोग होता था, जजों की नियुक्ति होती थी, फैसले अपने हिसाब से कराए जाते थे, लोगों को जो है टिकट दिए जाते थे, प्रमोशन होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें अलाट की जाती थी, फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए जाते थे, लोन दिए जाते थे, वही ये कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो ये प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो जो है अगर 100 रुपये चुराते थे तो हम 200 चुराएंगे, अगर वो 100 चुराते थे तो तुम 1 रुपया भी ना चुराओ और तीसरी बार भी बन जाओ, देश के नागरिकों का राष्ट्र का उत्थान करो, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि बातें तो तुम करो देश के विकास और रोजगार की और उन्नति की, और उन्नति कुछ खास लोगों की हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। मोहन भागवत ने कहा है कि दलितों को घोड़ी चढ़ने दें, उनको मंदिर में जलाभिषेक करने दें, करीब 90 साल बाद क्यों याद आई है उनको? समझा पिट रहे ना, ये सोशल मीडिया जब तक जब से आया है
तब जो है ना आम जनता की आवाज उठने लगी है, तब इनके काले चिट्ठे कारनामे सामने आ रहे हैं। जैसे रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो अब जो है इस सोशल मीडिया, मीडिया जो इनके कब्जे में थी, जो मीडिया कह रही थी वही सारा देश सुन रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया आम जनता की आवाज अब जो है कानों में गूंज रही है। तो उन्हें डर लग रहा है कि हमारा सारा पाटनगर अगर खुल गया तो कहीं हमें पता नहीं कहां से निकाला ही ना हो जाएगा। दलितों को मंदिर में क्यों भेज रहे हैं भागवत जिस टाइम? अरे पाखंडी बनाना, अंधविश्वासी बनाना है ना। अगर अगर मोहन भागवत इतना ही सही होता तो वो ये कहता कि देश की जनता बाकी भी भाई जल अभिषेक छोड़ो, आप जो है पढ़िए, शिक्षित होइए, और जो आपके आस पड़ोस में शिक्षित नहीं हुए हैं उनको पढ़ाइए। इस बात पे जोर देना मोहन भागवत। मोहन भागवत क्या चक्कर है दलितों को पिटने वाले हैं ना, दलितों को लेके इसी जो है जब तक चुनाव नहीं आते हैं, दो चार छह महीने पहले से तो इतनी तेजी से चिल्लाते हैं सारे एक हो जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तो सारे फूट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टीवी चैनल है बड़े बड़े वो हर घर में लगे हुए हैं। वो आपके राजकुमार सैनी जी जब से बीजेपी के सांसद से तब से ही संघर्ष करने में लग रहे हैं। बताओ कौन सा बड़ा चैनल जो घर में लगा हुआ वो दिखाता है? जनता क्या कहती है? जो टीवी दिखाएगा वो नेता है, जो टीवी नहीं दिखाएगा वो नेता नहीं है। तो आप बताइए ना बाबू जगदेव प्रसाद को कौन दिखा रहा है? जो अब शहीद हो गए उनकी कैसे निर्मम हत्या हुई, बताइए ना हमें। ज्योतिबा फूले जी जो है इतना जो है ना काम करके चले गए, सावित्री बाई फूले जिन्होंने जो है शूद्रों की और महिलाओं की शिक्षा की, वो तो कहीं नजर ही नहीं आती है। नकली सरस्वती पता नहीं कहां से डिग्री लेके आई, वो जो है स्कूलों में बिठा रखी है। तो टीवी में तो गलत दिखाई जा रहा है ना, टीवी हर घर पर शासन कर रहा है।